बिहार बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों को इतना तक भी नहीं पता होता है कि ग्रामर से कितना परसेंट का सवाल आपके एग्जाम पेपर में रहता है और कितना टेक्स्ट बुक से रहता है। तो फाइनली जो ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम फिलहाल वीडियो में आ गए हैं। और आपको बता दें तो आई गारंटी कि आपका 20 से 25 हो जाने वाला है। और आपको बता दें कि ग्रामर का लगभग लगभग 60% सवाल आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। तो फाइनली चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन नए लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए टॉपिक है, देखिएगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं बता रहा हूं। देखिएगा पहले तो आपको नोटिस लिखने को आ जाता है, दूसरा नंबर की रिपोर्ट लिखने को आ जाता है, तीसरा नंबर की एप्लीकेशन लिखने को आ जाता है, चौथा नंबर की लेटर लिखने को आ जाता है, पांचवा नंबर की स्पीच भी लिखने को आ जाता है, कि मैसेज भी लिखने को आ जाता है, कि आपको एसे भी लिखने को आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे का जवाब हम देने वाले हैं, बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और विश्वास है कि वीडियो को देखने के बाद जब जाएंगे आप एग्जाम देने के लिए तो आपका एकदम बिल्कुल जो है ना आसानी से पूरा जो है उस क्वेश्चन का आंसर दे करके आ जाएंगे। तो बिना देर कैसे लिखा जाता है अगर आपके एग्जाम पेपर में प्रश्न अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन आ जाए तो देखिए क्वेश्चन कैसा रहता है। देखिएगा यू आर कविता, मान लीजिए कि लड़की हैं आप, ठीक है ना, और कि यू आर कविता म्यूजिक टीचर, आप तो लड़की हैं, ठीक है, म्यूजिक टीचर है, क्या है जी, म्यूजिक टीचर है ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय की, राइट ए नोटिस, देखिए ऐसा ही प्रश्न रहता है, राइट नोटिस इन अबाउट 50 से 60 वर्ड में लिखना होता है, ठीक है ना, इन्फॉर्मिंग टू द स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों को इन्फॉर्म करना है, क्या इन्फॉर्म करना है जी, करना है टू टेक पार्ट इन द म्यूजिक कॉम्पिटिशन, यानी म्यूजिक कॉम्पिटिशन आपके विद्यालय में हो रहा है और उसी में सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है, बताना है कि आपको इस म्यूजिक कंपटीशन में भाग लेना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना, टैलेंटेड हैं तो आइए और इस म्यूजिक कंपटीशन में भाग लीजिए, ठीक है ना। तो इस टाइप का नोटिस लिखने को आपके इंग्लिश एग्जाम पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले लिखने का क्या तरीका है, जैसे कि इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्कूल का नाम, जैसे कि मान लीजिए दीनदयालपुर हाई स्कूल, ठीक है ना, या कोई भी स्कूल का नाम है आप लिख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, एग्जामिनर जब आपका कॉपी साइन करेगा तो ये नहीं कि एकदम बिल्कुल, आप जिस स्कूल से फॉर्म भरे हैं उस स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं और वहां पर जिला का नाम भी है, उस जगह का नाम लिख सकते हैं यहां पर, उसके बाद से ये नोटिस लिख देंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, देखिए नंबर का पूछ लेता है, ठीक है ना, Our school is going to present music competition. देखिए अपना विद्यालय जो है ना ये क्या कविता लिख रही है, कविता लिख रही है किसको इन्फॉर्म करने के लिए, स्टूडेंट को, ठीक है ना। Our school is going to present अपना विद्यालय, माने वो कह रहे हैं कि मेरा विद्यालय जो है अपना विद्यालय, ठीक है ना, क्यों अपना वर्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि विद्यालय में रह रहे टीचर और स्टूडेंट ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो अपना कहा जाता है, वो अपना सिर्फ थोड़ी ना कह सकती, तो अपने विद्यालय में, ठीक है ना, म्यूजिक कॉम्पिटिशन होने जा रहा है ऑन 15 अगस्त, ठीक है ना, 2023 को, ठीक है ना, 15 अगस्त 2023 को क्या हो रहा है, म्यूजिक कंपटीशन होने जा रहा है, इंटरेस्टेड एंड टैलेंटेड, ठीक है ना, जो इच्छुक हैं, जो टैलेंटेड हैं, ठीक है ना, आर इनवाइटेड, उसमें किसको बुलाया जा रहा है, अगर जो लड़का इंटरेस्टेड है, जो लड़का टैलेंटेड है म्यूजिक में, ठीक है ना, उसको इन्वाइट किया गया है फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन करने के लिए। और यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देना है, जैसे कि मान लीजिए कि जो लिखने वाली होती है ना, जिसे अगर दिया होगा यू आर कविता या यू आर पूजा या यू आर रिया या यू आर प्रीति, कुछ भी लिखा होगा तो आप यहाँ पर वही नाम फिर यहाँ पर लिख देंगे, कविता कुमारी म्यूजिक टीचर, बस इसे आपका एग्जामिनर देखते ही 3 नंबर आपको दे देगा। अब चलिए अब आपको लिखा जाता है, तो बिना देर किए रिपोर्ट को भी चलिए समझते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे कि राइट ए रिपोर्ट, यानी कि एक रिपोर्ट लिखना है इन अबाउट 16 to 70 वर्ड में, यानी कि 60 से 70 वर्ड में रिपोर्ट लिखने को आ जाता है, अबाउट के बारे में योर विजिट टू द फ्लड अफेक्टेड एरिया, यानी कि आपके वो एरिया में जहां पर बाढ़ आया हुआ है, काफी मात्रा में जल का सैलाब हुआ है, उसके बारे में आपको रिपोर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे आंसर में टू और कॉमा दे देंगे, टू लिख करके कॉमा लिख देंगे और उसके बाद से द सिक्रेटरी, ठीक है ना, कल्चरल सोसाइटी, चूंकि ये जो फ्लूड से रिलेटेड जो लिखे जाते हैं
रिपोर्ट लिखे जाते हैं ना, वो कल्चरल सोसाइटी को ही लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, टू द सेक्रेटरी कल्चरल सोसाइटी आप लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट है वो लिख देंगे, ताकि डायरेक्ट सेक्रेटरी को पता चल जाए कि किस रीजन में लिखा गया है। तो विजिट ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरिया, यानी कि फ्लड अफेक्टेड एरिया के रीजन में विजिट करने के संबंध में है ये, ठीक है सर। उसके बाद से फिर कॉमा दे देंगे और जस्ट उसके थोड़ा सा अलग हट करके लिखेंगे द होल गोपालगंज, यानी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। द होल गोपालगंज यानी पूरा गोपालगंज जो है ना, इज बैडली अफेक्टेड बाय द फ्लड, पूरी तरीके से माने पूरा बुरा तरीके से है ना, कि ये क्या हो गया है, बाढ़ से पीड़ित हो चुका है। वाटर इंटर्ड इन मैनी हाउसेज, जल जो है ना लगभग लगभग सारे घरों में घुस गए हैं। 16 चिल्ड्रेन वेयर रिपोर्टेड ड्राउंड इन द फ्लड, पता ये चल रहा है कि कम से कम 16 जो लड़के हैं ना वो उस बाढ़ से पीड़ित होकर के बाढ़ में डूब गए हैं, यानी कि उस जल सैलाब में डूब गए हैं। मेनी पीपुल वेयर डायरेक्टली डाइड, और बहुत सारे लोग उसमें डायरेक्ट मर ही गए हैं, ठीक है ना। और इसमें और भी कुछ बातें लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ा करके, अगर 5 नंबर का पूछे तो, कि मतलब कुछ लोग छत पर जाकर के अपना सुरक्षित हैं, वो भी अब डूबने वाले हैं, या फिर बहुत सारे क्षति के बारे में लिख करके अंत में लिखेंगे आप जो रिपोर्ट करने वाले हैं, उस रिपोर्टकर्ता का नाम यहां पर हो जाएगा, जैसे अदनान आशिम, और किस डिस्ट्रिक्ट से आप लिख रहे हैं तो यहां पर गोपालगंज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने रिपोर्ट लिखने के जो तरीके बताए बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर रिपोर्ट लिखने को आ जाए तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, यही है तरीका लिखने का। हो सकता है कि टॉपिक अलग हो जाए बट लिखने के तरीका यही होते हैं। तो फिलहाल आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो विदाउट एनी लेट लेट्स गो टू सी हाउ टू राइट एप्लीकेशन इन इंग्लिश। सो बिना देर किए देखिएगा यहां पर तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव ड्यू टू योर इलनेस, यानी इसका हिंदी हुआ कि आप अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन लिखे जिसमें आप छुट्टी की मांग कर रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हैं इसलिए। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे हम लोग लिखेंगे। तो लिखने के देखिए तरीके, एक नंबर में पहले ये ले लीजिए कि ये वाला तो रहेगा, ठीक है ना, भले टॉपिक चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि आप इलनेस को ना लेकर के, हो सकता है शादी बारात को लेकर के आप छुट्टी मांग रहे हो, या फिर तिलक बारात में जाने के लिए, या फिर कहीं विजिटिंग के लिए, या कुछ भी के लिए अगर छुट्टी मांग रहे हैं, ठीक है ना। छुट्टी मांगने के पर्पज से अगर कोई भी अगर आवेदन लिख रहा है प्रिंसिपल के पास, तो हो सकता है कि टॉपिक अलग हो जाए बट स्टार्टिंग तो यही रहेगा, टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल। तो सरकारी स्कूल में अक्सर हेडमास्टर ही लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो टू और कॉमा देकर के द हेडमास्टर हाई स्कूल, और जिस जगह से आप पढ़ाई करते हैं उस जगह का नाम लिख दीजिए सर, ठीक है ना। सर लिखना है टू के जस्ट नीचे सर, उसके बाद से लिखना है कॉमा दे करके आई हैव बीन इल, मतलब मैं बीमार पड़ चुका हूँ, बहुत दिन से बीमार रहा हूँ, विथ फीवर सिंस लास्ट मंडे, यानी कि मैं मंडे से ही बीमारी से पीड़ित हूँ। आई कैन नॉट अटेंड स्कूल, मैं विद्यालय में अटेंड नहीं हो सकता हूँ फॉर 10 डेज, 10 दिन के लिए, एंड मोर, हो सकता है कि उससे भी अधिक हो जाए क्योंकि बीमारी काफ़ी अधिक है। आई फील सो मच वीकनेस, मैं तो देखिए मान लीजिए कोई बीमार होता है तो सीधी सी बात है कि उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है, तो इसलिए ये भी बात लिख देना, क्योंकि मैटर थोड़ा सा लंबा जितना ही करके लिखेंगे 5 नंबर का रहेगा, तो 5 नंबर मिल जाएगा। आई फील सो मच वीकनेस, मैं काफ़ी जो है ना कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, और भी बातें लिख सकते हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, ठीक है ना। डॉक्टर का कहना है कि आपको अभी और 10 दिन आराम करना है, फिर उसके बाद से अगर आपको आराम फील हो तो आप जा सकते हैं, अन्यथा और 10 दिन आराम कर सकते हैं। तो इस तरीके से 20-30 दिन काफ़ी कमजोरी होने के कारण हम नहीं आ सकते हैं, तो बहुत सारी बातें इसमें मैटर को इन्वॉल्व किया जा सकता है। फिर अंत में क्या लिखना है, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज कर, मतलब आई जहाँ से लिखना शुरू किया आई से आई हैव बीन, वहीं से उसी के नीचे से लिखना है डियर फॉर, इसलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ टू गिव टू ग्रांट, यहाँ टू गिव नहीं टू यू टू ग्रांट लीव फॉर अबाउट 15 डेज, यानी कि 15 दिन की छुट्टी के लिए हमें कृपा प्रदान करें। योर स्टूडेंट, आपका विद्यार्थी, नाम के जगह पर अपना नाम लिख दीजिएगा, और क्लास के जगह पर आप जिस क्लास से मतलब एप्लीकेशन लिख रहे हैं वहीं क्लास लिख दीजिएगा, और रोल नंबर लिख दीजिएगा, ताकि उस रोल नंबर के हिसाब से आपका एब्सेंटी प्रेजेंटी में कन्वर्ट हो जाए, या फिर उस पर वो सुविचार करके जो उस पर करना होगा वो अपना प्रधानाचार्य या क्लास टीचर करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, योर स्टूडेंट और नाम, क्लास, और क्या करते हैं रोल नंबर और आधार नंबर, उसके बाद से मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं, ये सब कुछ नहीं करना है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर की लेटर कैसे लिखे जाते हैं, पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो बिना देर के लेट्स गो टू सी हाउ टू राइट लेटर इन इंग्लिश।
तो चलिए अब बिना देर के हम लोग समझते हैं कि लेटर को कैसे लिखा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि राइट ए लेटर टू योर फादर, यानी आप अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए जिसमें आप मांग कर रहे हैं कुछ पैसे की, क्या चीज करने के लिए? सिनेमा हॉल में जाने के लिए नहीं, किताब खरीदने के लिए। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर सबसे पहले दाईं ओर जो आपका पेज होगा उसमें दाईं ओर सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे, यानी कि जो पत्र लिखने वाले होते हैं ना उस व्यक्ति का पता, दाएं ओर कोना में पत्र लिखने वाले व्यक्ति का पता होता है, यानी कि आप जहां से पत्र लिख रहे हैं वो चीज लिखें। जैसे दीनदयालपुर सिवान, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का भी नाम रहता है, आप प्लस सबसे पहले उस गांव का नाम, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद से तारीख यानी कि डेट आपको लिख देना है कि किस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद से डियर फादर यानी प्रिय पिताजी, आई होप, मैं आशा करता हूँ, सबसे पहले तो आपको फुसलाने वाली बात करनी होगी ना, तो लिखिए आई होप डैट यू फाइंड दिस लेटर इन गुड हेल्थ, मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये जो पत्र आपको मिला होगा एकदम स्वस्थ होंगे आप, पत्र लेने के समय में बिल्कुल आप निरोग होंगे, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। एज यू नो, आप जानते हैं वेरी वेल, जैसे पूरी मैंने अच्छे तरीके से, डैट कि आई हैव पास्ड मैट्रिक एग्जाम विथ फर्स्ट डिवीजन, मैं मैट्रिक के एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से पास कर चुका। भले ही आप एग्जाम देने के समय में आप भले पत्र लिख रहे हो, लेकिन आपको वहां पर क्या दर्शाना है कि मैं एग्जाम पास कर चुका हूं, ठीक है ना, और फिलहाल हमें इंटरमीडिएट का तैयारी के लिए हमें किताब खरीदना है, तो वो बात आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आई हैव पास मैट्रिक एग्जाम विथ फर्स्ट डिवीजन एंड आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्लास इन 11, यानी हम मैट्रिक का एग्जाम पास कर चुके हैं और हम 11 क्लास में जा रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें इसमें लिख सकते हैं, बट फॉर्मेट यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद से लास्ट में लिखोगे हैंस प्लीज गिव अबाउट 100 रुपीज मनी टू बाई बुक, यानी कि आप कितना मांग कर रहे हो, 1000 रुपये की मांग कर रहे हो, इसलिए आप कह रहे हो कि हैंस इस प्रकार प्लीज गिव अबाउट 100 रुपीज मनी, ठीक है ना, यहाँ पर रुपीज लिख दीजिएगा, रुपीज मनी टू बाई बुक, इसलिए आप हमें 1000 रुपये देने की कृपा प्रदान करें ताकि हम किताब खरीद सकें। और यहाँ पर, ठीक है ना, उसी पेज के दाईं ओर ऊपर की ओर कोना में अगर जो आप अपना पता लिखे, ठीक उसी के सामने नीचे, ठीक है ना, दाईं ओर ही कोना में क्या लिखना है, योर लविंग सॉन, यानी आपका प्यारा बेटा, बदमाश नहीं, ठीक है ना, या आपका प्यारा बेटा सुमित कुमार। उसके बाद से अगर आप चाहें तो देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा, अगर आप चाहें तो ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो डियर फादर लिखे ना उसी के जस्ट नीचे जहाँ पर आप पत्र भेज रहे हैं, यानी आपके पिताजी जहाँ रहते हैं वहाँ पर का एड्रेस यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। लेकिन फिलहाल जो बातें जरूरी है लिखना वो चीज़ पहले एक नंबर में आपको ये चीज़ लिख देना होगा, उसके बाद से एक नंबर में सबसे पहले ये लिखना होगा, ठीक है ना, एक नंबर इसको समझिए चाहे एक नंबर इसको समझिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर दाईं ओर आप पत्र लिखने वाले व्यक्ति का पता होना चाहिए, उसके बाद से पिताजी को ग्रीटिंग यहाँ पर कर देना है, उसके बाद से यहाँ से आई होप डैट यू विल फाइंड दिस लेटर इन गुड हेल्थ, उसके बाद से जो मैटर है यानी कि अगर पैसे की मांग के लिए है, चाहे कुछ घर में शादी बारात को लेकर के पैसे की मांग करना है, या कुछ भी किसी भी मौजू पर किसी भी मुद्दे पर अगर आपका अगर टॉपिक है तो उस टॉपिक के बारे में यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, और अंत में लिख सकते हैं कि आप उतना पैसे देने की कृपा प्रदान करें, और जहाँ पर पत्र लिखने वाले व्यक्ति का जो पता है उसी के जस्ट नीचे दाईं ओर में कोना में आप अपना लिख देंगे कि योर लविंग सन, और जो आपका नाम है वही नाम लिख देंगे, जरूरी नहीं है कि हम सुमित कुमार लिखें तो आप भी अपना भले नाम दूसरा हो और सुमित कुमार लिख दें, ऐसा नहीं करना है, आपका जो नाम है वही लिख देना है। उसके बाद से ये चीज़ें जरूरी था, ठीक है ना, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ठीक है ना, और बीच में ये सारी मैटर, और उसके बाद से अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर नंबर नहीं काटता है। तो चलिए बिना देर के अब हम लोग समझते हैं कि स्पीच कैसे लिखा जाता है, सो लेट्स गो टू सी हाउ टू राइट स्पीच। तो चलिए बिना देर के हम लोग देखते हैं कि स्पीच कैसे लिखा जाता है, और एक और बात ध्यान में रखिएगा, स्पीच भी पूछ देता है या ऐसे भी पूछ देता है, मतलब कि स्पीच हो या फिर ऐसे हो, ये दोनों के तरीके जो होते हैं ना एक होते हैं, मतलब एक तरीका दोनों को टारगेट करता है, यानी स्पीच या ऐसे हो किसी को भी लिखना हो तरीका एक होता है। देखिएगा, स्पीच हो या ऐसे हो तरीका एक होता है, ट्रिक एक होता है, सुनिएगा, अगर स्पीच हो या ऐसे हो, अगर मान लीजिए अगर स्पीच हो या ऐसे हो अगर लिखने को आ जाए, मान लीजिए कि टीचर डे पर, ठीक है ना, तो टीचर डे पर तो सबसे पहले ये आपके मन में 5 सवाल होना चाहिए, फिर वो जो है ना स्टेटमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। देखिएगा क्या है, सबसे पहले पूछिए अपने आप में कि टीचर डे, मान लीजिए सपोज टीचर डे है, टीचर डे पर क्या लिखना है, स्पीच लिखना है या फिर ऐसे लिखना है, यानी कि तरीका एक होगा और दोनों टॉपिक पर टारगेट करेगा। देखिएगा, टीचर डे है, सपोज मान लीजिए कि टीचर डे है, शिक्षक दिवस, सबसे पहले पूछिए, मैंने ऊपर लिख दीजिएगा टीचर डे,
जो भी प्रश्न संख्या होगा प्रश्न संख्या डाल करके और बीच में कॉपी में लिख दिया जाता है टीचर डे, ठीक है ना। तरीका एक है, सुनिएगा, टीचर डे, उसके बाद से पूछिएगा अपने आप में कि टीचर डे आखिर है क्या। तो भाई शिक्षक दिवस जो होता है ना, ये विद्यार्थियों और शिक्षकों का त्यौहार होता है। अब बात करते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। तो भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मदिवस पर मनाया जाता है, की याद में मनाया जाता है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर अगला बात क्या ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा कि टीचर डे कैसे मनाया जाता है, माने हाउ डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। तो टीचर डे मनाने का तरीका ये थोड़ी ना होता है कि बैंड बाजा बारात वगैरह के साथ हम लोग टीचर डे मनाते हैं, नहीं। टीचर डे मनाते हैं भले ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में, लेकिन जिस शिक्षक से आप पढ़ रहे होते हैं उसमें जो है ना, उनमें जो है ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखते हैं आप, उसके बाद से उतना ही इज्जत देते हैं जितना कि बच्चे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में जब वो जिंदा थे और उनके बच्चे जिस तरीके से उनको इज्जत देते थे, उस तरीके से आप भी अपने शिक्षक से जो ज्ञान लेते हैं, चाहे आप 9th में हो, चाहे 10th में हो, 11th 12th किसी भी क्लास के विद्यार्थी क्यों ना हो, अगर आप उस शिक्षक से ज्ञान लेते हैं तो उस ज्ञान के जरिए आप क्या करते हैं कि आप उस टीचर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह ही इज्जत देते हैं और उनसे कट क्या करते हैं, केक वगैरह ला करके टीचर डे के दिन उनसे कट करवाते हैं। तो इस तरीके से मनाया जाता है। चौथा नंबर है कि कब मनाया जाता है, तो भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, 5 सितंबर 1888 को मनाया जाता है, ठीक है ना। पांचवा क्या है, पांचवा सवाल अपने मन से ही पूछेगा फिर वो स्टेटमेंट बनकर तैयार हो जाएगा, कहाँ मनाया जाता है। भाई कब्रिस्तान और शमशान घाट में थोड़ी ना मनाया जाता है, ये कोचिंग विद्यालय में ही मनाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए ये ट्रिक आपको तो समझ में आ ही गया होगा आई होप। अब चलिए अगला है कि आपसे मैट्रिक के इंग्लिश पेपर में ग्रामर के टॉपिक का एक और भी टॉपिक पूछ देता है कि मैसेज कैसे लिखा जाता है, यानी मैसेज कैसे लिखा जाता है ये नहीं पूछा जाता है, मैं बताऊंगा मैसेज कैसे लिखा जाता है, माने मैसेज भी लिखने को आ जाता है। जैसे क्वेश्चन किस तरह रहता है, देखिएगा यहां पर 6 नंबर का हम बता रहे हैं, राइट ए मैसेज, यानी कि एक मैसेज लिखिए, मतलब मोबाइल से मैसेज नहीं लिखना है आपको, एग्जामिनेशन हॉल में अपने आंसर शीट पर लिखना है, ठीक है ना। मोबाइल में मैसेज करने की आदत होगी तो वहां पर वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा, राइट ए मैसेज टू योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के पास, जिस फ्रेंड का नाम है रीना, क्या नाम है, रीना नाम है जी, तो राइट ए मैसेज टू योर फ्रेंड रीना, आप रीना अपने दोस्त रीना के पास एक क्या लिखिए, मैसेज लिखिए, संदेश लिखिए, टू कम योर हाउस, अपने घर बुलाने के लिए, टू कंप्लीट द असाइनमेंट, यानी जो असाइनमेंट का वर्क मिला है ना उससे हेल्प लेना चाहती हैं आप उनको बुलाना चाहती हैं, अगर आप लड़की हैं तो आप अपने फ्रेंड रीना को बुलाना चाहती हैं और बुला करके असाइनमेंट का वर्क उससे पूरा कराना चाहती हैं, ये मैसेज करना चाहती हैं, तो ऊपर लिख देंगे मैसेज, ठीक है ना, मैसेज लिख देंगे आंसर में मैसेज, उसके बाद से सबसे पहले उस रीना का नाम जिसको आपको बुलाना है, ठीक है ना, जिसे आपको वर्क लेना है, तो रीना का नाम पहले आ जाएगा, उसके बाद से लिखिएगा आई हैव रिटर्न फ्रॉम पटना, मैं पटना से रिटर्न हो चुकी हूँ जस्ट नाउ, अभी अभी, प्लीज कम टू माई हाउस, मेरे घर आ जाओ टुमारो कल 8 बजे, कह लिए तू, चूंकि क्या है ना कि हमको एक बहुत बड़ा सिरदर्दी हो गया, हमको असाइनमेंट वर्क करना है, हमसे तो अकेला पूरा होगा नहीं, इसलिए मैं तुमसे हेल्प लेना चाहती हूँ, तो बुलाइए आप, देखिए, प्लीज कम टू माई हाउस टुमारो, कल मेरे घर आ जाओ 8 बजे टू कंप्लीट द असाइनमेंट, प्लीज टेक इट वेरी अर्जेंट, इसको थोड़ा सा अर्जेंट समझते हुए जितना जल्दी हो सके कल सुबह ही 8 बजे आ जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख दीजिए योर्स, यानी तुम्हारा स्वीटी, यानी कि आपका नाम मान लीजिए कि स्वीटी है, तो आप स्वीटी हैं और आप रीना के पास, अपना फ्रेंड के पास एक क्या लिख रही हैं, मैसेज लिख रही हैं और बुला रही हैं अपने घर कि कल अगले दिन आ जाओ, क्योंकि मेरा असाइनमेंट का काम जो है ना फंसा हुआ, थोड़ा सा हेल्प करके मेरा असाइनमेंट का काम पूरा करवा दो। तो आई होप कि आपको ये जितने भी हमने समझाया आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं जो कुछ भी समझाया, चाहे नोटिस लिखने को सिखाया या रिपोर्ट लिखने को सिखाया या एप्लीकेशन लेटर स्पीच मैसेज ऐसे कुछ भी सिखाया, देखिएगा फॉर्मेट यही रहेगा, भले मुद्दा चेंज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल लगा होगा, तो क्यों ना आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि वो भी आपका दोस्त इस वीडियो का फायदा उठा सके और कल का एग्जाम सार्थक बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।